हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स के कवर करने के बाद हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितना था क्लासेस? फर्स्ट था शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन सेम बात है, लॉन्ग बोन। थर्ड कौन सी बोन थी? फ्लैट बोन। फोर्थ थी इरेगुलर बोन। फोर्थी इरेगुलर बोन। तो ये चार बोन्स के बारे में हमने पढ़ना है। शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लैट, इरेगुलर। शॉर्ट कंप्लीट कर लिया है, लॉन्ग भी कर लिया है, फ्लैट भी कर लिया है, बच गया इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन हम आज की क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इरेगुलर बोन, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कहा है कि ये जो बोन का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ओके। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, ये हमारा ऐप का ऑफिशियल लोगो है, फॉरेंसिक साइंस UGC नेट नाम है ऐप का। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको रीडायरेक्शन मिलेगा। आप ऐप स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्री बुक PDF मटेरियल्स मिल जाएंगी। PDF की जो जितने भी फॉरेंसिक से रिलेटेड बुक हैं उसकी फ्री PDF मिल जाएगी, और पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ UGC नेट एग्ज़ाम। तो UGC नेट पेपर 2 के लिए कुछ कोर्सेज हमारे ऐप में हैं, पेड कोर्सेज हमारे ऐप में हैं। अगर वो ऐप से आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तो पेड कोर्सेज ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। फुल कोर्स चाहिए तो फुल कोर्स ले सकते हो पेपर 2 के लिए। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी। तो जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर लो। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। इरेगुलर बोन्स की बात कर रहे थे। इरेगुलर बोन्स नेम से ही आपको सजेस्ट करता है कि इरेगुलरिटी है, कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं है, इरेगुलरिटी है उस बोन में। इस वजह से हमने इन बोन्स को कैटेगरी बना के रख दिया है इरेगुलर बोन्स का। द अनइवन बोन्स, कोई भी इवन चीज़ नहीं है उसमें, अनइवन है, आर नोन एज इरेगुलर बोन। जो अनइवन बोन्स होती है, दीज बोन्स आर नोन एज इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स कहते हैं ड्यू टू देयर इरेगुलर फॉर्म, क्योंकि उनकी जो इरेगुलरिटी होती है, उनके फॉर्म में जो इरेगुलरिटी होती है, उसकी वजह से ही हम उन्हें अनइवन या इरेगुलर बोन्स कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ कैंसेलियस टिश्यूज सराउंडेड इनसाइड अ थिन लेयर ऑफ कंप्रेस्ड बोन्स। तो थिन लेयर कंप्रेस रहती है, ये जो कंसीलियस टिश्यू होती है वो किससे सराउंडेड रहती है? थिन लेयर ऑफ कंप्रेस्ड बोन्स से। तो थिन लेयर ऑफ कंप्रेस्ड बोन्स इस कैंसेलियस टिश्यू को सराउंड करती है और बोन बनाती है। द अनइवन बोन्स आर, अब अनइवन बोन्स कौन कौन सी है, या फिर आप कह लो इरेगुलर बोन्स कौन कौन सी है? तो जो वर्टिब्राज हैं, ये सारे के सारे इरेगुलर बोन हो गए। जो सैकेरम है वो आपका इरेगुलर बोन है, कॉकेक्स आपका इरेगुलर बोन है, टेम्पोरल, स्फीनोइड, इथमोइड, जायगोमैटिक, मैग्जिला, मैंडिबल, पैलेटीन, इन्फीरियर नेजल गांग का, और हायोइड, ये सारे के सारे इरेगुलर बोन्स हैं। ये सारे के सारे कौन से बोन्स हैं? इरेगुलर बोन्स हैं, ठीक है। वर्टिब्रेस की बात करते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके, ये पूरा का पूरा आपका वर्टिब्रल कॉलम है, और इसमें जो एक एक सेक्शन है, ये सारे आपके वर्टिब्रास हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम इज फ्लेक्शियस एंड फ्लेक्सिबल कॉलम। तो ये इसमें मूवमेंट होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो आपका वर्टिब्राज होता है। फॉर्म्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन कॉल्ड वर्टिब्रा। तो ये सीरीज ऑफ वर्टिब्राज से मिलके वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये सारी की सारी बोन्स मिलके कॉलम का मैन्युफैक्चर करती है, कॉलम बनाती है, तो इसे आप कहते हो वर्टिब्रल कॉलम, और इनके सिंगल बोन्स को आप कहते हो वर्टिब्रेज, ठीक है। द वर्टिब्रे आर 33 इन नंबर। तो टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये सारे के सारे मिलके, ये सारे के सारे 33 हैं टोटल। तो 7 सर्विकल्स होते हैं, 12 थोरेसिक होता है, एंड 5 लूम्बर्स होते हैं, देन सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो ये सारे बोन्स इन ऑल टोटल 33 होते हैं, एंड आर ग्रुप्ड अंडर द नेम्स ऑफ सर्विकल, जो कि मैंने बताया, थोरेसिक, लूम्बर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो ये 5 ग्रुप्स में आप इन्हें कैटेगराइज कर सकते हो। पहला ग्रुप है सर्विकल का, दूसरा ग्रुप है थोरेसिक का, तीसरा है लुम्बर का, चौथा है सैक्रल, और कॉक्सिजियल ये फिफ्थ है कॉक्सिजियल, अकॉर्डिंग टू देयर रीजन दे ऑक्यूपाई। अब इनको कैटेगराइज कैसे किया है? बिकॉज ऑफ देयर रीजन ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो सबसे पहला जो आ गया वो सर्विकल्स होते हैं, फिर देन 12 थोरेसिक, 5 वर्टिब्रस, देन सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो ये सारे के सारे मिलके आपके 33 बोन्स मिलके आपके वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। देयर आर 7 इन द सेकंड सर्विकल रीजन, जो कि मैंने बोला,
12 इन थोरेसिक, 5 इन लुम्बर, 5 इन सेक्रल एंड 4 इन कॉक्सीजियल. तो यहाँ पे 5 लुम्बर, यहाँ पे भी 5 लुम्बर और 4 कॉक्सीजियल, ये सारी चार बोन्स मिलकर कॉक्सीजियल बोन बनाती है. ठीक है, द वर्टेब्रा इन द अपर थ्री रीजन्स ऑफ द कॉलम रिमेन्ड डिस्टिंक्ट थ्रू आउट लाइफ. तो जो ऊपर के तीन रीजन हो गए, अपर थ्री रीजन्स जो होते हैं कॉलम के, वो डिस्टिंक्ट होते हैं थ्रू आउट लाइफ, वो डिस्टिंक्ट होते हैं एंड आर नोन एज ट्रू और मूवेबल वर्टेब्रेस, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, ये तीन रीजन के जो बोन्स होते हैं, दीज आर सेक्रल, और जो बच गए दोज आर सेक्रल एंड कॉक्सीजियल रीजन. ऑन द अदर हैंड आर टर्म्ड एज फॉल्स और फिक्स्ड बोन. इन्हें आप कहोगे फिक्स्ड बोन या फिर फॉल्स, क्योंकि ये इंटैक्ट रहते हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, मूवमेंट होती ही नहीं है. ठीक है, बिकॉज दे आर यूनाइटेड विथ वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती से जुड़े हुए होते हैं इन द अडल्ट टू फॉर्म टू बोन्स. तो ये क्या होते हैं, ये यूनाइटेड होते हैं विथ वन अनदर इन द अडल्ट टू फॉर्म टू बोन्स. तो ये दो बोन्स बनाने के लिए एक दूसरे से चिपक चिपक के रहते हैं. फाइव फॉर्मिंग द अपर बोन्स और सैक्रम एंड फोर इन टर्मिनल बोन्स दैट इज कॉकिक्स. ठीक है, तो ये पांच बोन होते हैं आपके सैक्रल रीजन में और चार बोन्स होती है आपकी कॉक्सीजियल बोन्स. तो ये सारे एक दूसरे से सट सट के रहते हैं, इस वजह से हम इन्हें फॉल्स बोन्स कहते हैं या फिर फिक्स्ड बोन्स कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं अपने अपने जगहों पे. ठीक है, तो इन्हें फिक्स या फॉल्स बोन कहोगे, पहले वाले बोन्स को ट्रू बोन्स कहोगे. ठीक है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट होते हैं पूरी जिंदगी एक दूसरे से. फिर अब हम बात करेंगे सैक्रम और कॉक्सीजियल की सेपरेटली. द सैक्रम is a huge trilateral bone and located in the inferior portion of the vertebral column. कौन से portion में है, inferior portion में है vertebral column के, inferior portion में, at the higher and posterior portion of the pelvic cavity. Pelvic cavity के higher और posterior portion पर यह situated होती है. Where it is implanted like wedge among the two hip bones. और ये implanted होती है among your two hip bones. Its superior part or base articulates with the last lumbar vertebra, और ये last lumbar vertebra से attached रहती है its tip with coccyx, और उसका जो tip है वो coccyx से सटा हुआ रहता है. अब last की bone जिसे हम tail bone भी कहते हैं, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप tail bone भी कहते हो. The coccyx is typically designed of four elementary vertebras. The unmerical may through be greater than before of the five or mark lesser to three. In all three parts of the outlined have fundamental body and articular corner. The fundamental body hai, articular corner hai, to corner progression. The proceeding piece occasionally the third is ordinary nodule of the bone. तो ये जो third piece होता है coccyx bone का, उसे आप वो ordinary nodule bone भी होती है, और ये आपकी tail bone होती है. यहाँ पे आपका जो vertebral column है उसका termination हो रहा होता है. Next important bone है hyoid and mandible. Hyoid bone and mandible. तो hyoid bone कहाँ है, आपके गले में इस जगह पे रहती है, गले में इस जगह पे रहती है, और ये तो आपका mandible है ही है. ठीक है, so hyoid bone, lingual bone भी इसे कहते हैं या फिर tongue bone भी इसे कहते हैं. ठीक है, क्योंकि tongue के पास पे है ये, इसे आप क्या कहोगे, lingual bone भी कह सकते हो, lingual bone. Lingual bone or tongue bone. Lingual bone or tongue bone भी आप इसे कह सकते हो. It's a horseshoe shaped bone situated in the interior middle of the neck between the chin and thyroid cartilage. तो ये कहाँ पर situated रहती है, situated in the interior midline of the neck के midline पे, between the chin and thyroid cartilage. It comprises of five parts, पांच parts होते हैं, from to superior cornu and to minor cornu. तो इसके पांच part होते हैं, तो side के बीच का ऐसा करके इसके पांच areas होते हैं, five parts होते हैं. ठीक है, इसे आप lingual bone या tongue bone भी कहते हो. और ये कौन सी bone है, irregular bone है. Next mandible पे आ जाओ. The mandible, the largest and strongest bone of the face.
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बोन है फेस की, दैट सर्व्ड फॉर द रिसेप्शन ऑफ लोअर टीथ, जिसपे लोअर टीथ होते हैं आपका लोअर जॉ. इट कंटेन्स अ कर्व्ड स्ट्रेट पार्ट द बॉडी एंड टू वर्टिकल पार्ट्स, द रामी दैट जॉइंट्स विद द फिनिशेज ऑफ द बॉडी क्लोजली एट द राइट पोजिशन. तो यहाँ से राइट पोजिशन पे ये जुड़ी हुई होती है और ये आपकी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेशियल बोन पे. और इस पे आपका जो लोअर जॉ भी आप इसे कहते हो, और इस पे आपके टीथ सिचुएटेड रहते हैं. ठीक है, टीथ सिचुएटेड रहते हैं. इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि आप कर्व्ड सर्कुलर जो पोर्शन होता है उसमें आपके कुछ जॉइंट्स होते हैं और कुछ राइट पोजिशंस होती हैं जो कि आपके मैक्सिला से जाके जॉइंट करती है. तो ये भी आपकी कौन सी बोन है, इररेगुलर बोन है. तो हमने सारी की सारी बोन डिस्कस कर ली. ये कौन कौन सी बोन हमने डिस्कस करी, हमने फ्लैट बोन देख लिया, हमने शॉर्ट बोन देख लिया, हमने लॉन्ग बोन देख ली, हमने इररेगुलर बोन देख ली. तो सारी की सारी बोन्स हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में कंप्लीट कर लिया है. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो. ठीक है, मैं रिप्लाई करती हूँ. एंड अगर आपको इसकी पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके आप इसे ले सकते हो. टेलीग्राम का भी सेम नाम है, फॉरेंसिक साइंस UGC NET. तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है, टेलीग्राम का नाम है. तो यहाँ टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. ये सारी की सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूँगी. सो अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क योर डाउट. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मिलते हैं. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट. अगर ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड.